सी वी एट डीमार्गन लॉ डिमार्गन लॉ हमने पिछले वीडियो में देखे थे आइए इसको विजुअली समझ लेते हैं पहला डिमॉर्गन लॉ ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आइए समझते हैं ये रहे दो सेट्स ए एंड बी इन यूनिवर्सल सेट यू इन दोनों का यूनियन निकालते हैं तो कुछ ऐसा आएगा एंड इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये रेड वाला शेडिड एरिया पूरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सिमिलर्ली अब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है तो वो हो जाएगा ये ब्लू वाला एरिया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे तो आएगा ये ऑरेंज वाला एरिया नाउ इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आएगा ये रेड वाला एरिया आप देख सकते हैं कि दोनों तरीकों से हमारे पास सेम एरिया आ रहा है सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये पहला डी डिमोर्गन लॉ सही प्रूफ हो गया सेकेंड डिमॉर्गन लॉ देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर कहा जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आइए देखते हैं ये हो गए सेट्स ए एंड बी इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ये ग्रीन एरिया आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बाकी सारा एरिया आ गया एक्सेप्ट दिस कॉमन एरिया सिमिलरली अब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और इनका यूनियन करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्जैक्टली सेम एरिया हमारे पास आता है जो पहले आया था तो ये सेकेंड डी मॉर्गन लॉ भी सही प्रूफ हो गया